अल्लाह रहमान रहीम, शुरू अल्लाह के पाक नाम से जो बड़ा मेहरबान याद रहने वाला है। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। आज हम बना रहे हैं कैबेज और मटर की सब्ज़ी। सो इस सब्ज़ी को बनाने के लिए हमें जो चीज़ें चाहिए, कैबेज हमने लिया है 500 ग्राम है, जिसको मैंने बहुत अच्छे तरीके से फाइनली चॉप किया है। मटर हमें चाहिए 1/2 कप, आप फ्रोज़न ले लें या फ्रेश ले लें। टमाटर हमें चाहिए 2 लार्ज साइज़ के, जिसको मैंने फाइनली चॉप किया है। ऑनियन हमें चाहिए 1 लार्ज साइज़ का, उसको भी मैंने फाइनली चॉप कर लिया है। 3 हमें ग्रीन चिलीज चाहिए, जिसको मैंने सेंटर से कट किया है। ज़ीरा चाहिए 1 टीस्पून, और जिंजर और गार्लिक हमें चाहिए 2 टेबल स्पून, जिसको मैंने रफली चॉप कर लिया है। अजवाइन हमें चाहिए 1/2 टीस्पून। कड़ी लीव्स चाहिए हमें 8 to 10, और भुना और पिसा हुआ ज़ीरा चाहिए 1/2 टीस्पून। सॉल्ट टू टेस्ट। सूखा धनिया पाउडर हमें चाहिए 1/2 टीस्पून। हल्दी पाउडर 1/2 टीस्पून, और रेड चिली पाउडर भी 1/2 टीस्पून चाहिए। और कुकिंग के लिए हमें ऑयल चाहिए। तो अब हम अपने मज़ेदार सी वेजिटेबल तैयार करते हैं। पॉट में जिसमें हमने कुकिंग करनी है, उसमें मैंने ऑयल ऐड कर दिया है। 1/4 कप मैंने ऑयल डाला है। इसमें सबसे पहले हमने डालना है करी लीफ, डालेंगे सबसे पहले। और हम डालेंगे साथ ही इसमें ज़ीरा, इसको थोड़ा सा हम रोस्ट करेंगे फ्यू सेकंड के लिए। ज़ीरा और कड़ी लीव जो है हमारे फ्राई हो गए हैं। अब हमने इसमें ऐड कर दी जो हमारे पास ग्रीन चिलीज थी, उनको ऐड करेंगे। उनको भी थोड़ा सा स्टर करेंगे। अब हमने इसमें ऐड करने हैं हमारे पास जो हमारा जिंजर और गार्लिक था, इसको डालेंगे। इसको भी हमने थोड़ा सा फ्राई करना है। जिंजर और गार्लिक को भी हमने फ्यू सेकंड के लिए फ्राई कर लिया। अब हमने इसमें ऐड कर देने हैं जो ऑनियन थे, इनको हमने लाइट ग्रीन करना है। ऑनियन जो है हमारे लाइट पिंक हो रहे हैं, तो अब हमने इसमें ऐड कर देने हैं टमाटर, जो हमने फाइनली चॉप किए थे। टमाटर डाल देंगे और सारे स्पाइसेस डाल देंगे। इसमें डाल देंगे हम रेड चिली पाउडर, हल्दी, सूखा धनिया पाउडर, सॉल्ट और भुना पिसा हुआ ज़ीरा डालेंगे। अजवाइन अभी हमने नहीं डालनी, इन सब चीज़ों को डाल के। तो अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अच्छे से सब चीज़ों को स्टर कर लेंगे। और अब हमने क्या करना है, इसको कवर करके 5-7 मिनट के लिए हम इसको लो फ्लेम पर पकने देंगे, ताकि टमाटर अच्छे से गल जाएँ और मसाला सा एक तैयार हो जाए ग्रेवी सी। मसाला अच्छे से भुना गया है, टमाटर भी हमारे अच्छे से गल गए हैं। अब हमने इसमें ऐड कर देनी है जो हमारे पास मटर थे, मटर ऐड करेंगे और थोड़ा सा इसको स्टर कर लेंगे। अब हमने मीडियम फ्लेम पर अपने मटरों को भी मसाले के साथ बस 1 मिनट के लिए भूनना है। 1 मिनट के लिए इसको मीडियम फ्लेम पर भून लेते हैं मसाले के साथ। मटर हमने अच्छे से भून ली है, और अब हमने इसमें ऐड कर देनी है कैबेज। कैबेज को आप जितना फाइन काटेंगे उतनी अच्छी ही इसकी कुकिंग होगी, और ये जल्दी गलेगी, उसका फ्लेवर भी अच्छा सा आएगा। कैबेज हमने ऐड कर दी है इसमें, और अब इन सब चीज़ों को हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है। कैबेज को हमने अच्छे से मिक्स कर ली है, और अब हमने इसमें थोड़ा सा पानी डालना है। और मतलब कि हम इसमें डाल रहे हैं 1/2 ग्लास पानी डाल देंगे, और इसकी फ्लेम को हम स्टोव की मीडियम टू लो कर देंगे, और 15 मिनट के लिए हम इसको पकाएंगे मीडियम टू लो फ्लेम पर। मैं इसमें पानी ऐड कर रही हूँ, और इसको कवर करके हम 15 मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पर इसको पका लेंगे, ताकि ये अच्छी तरीके से गल जाए। और साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे अजवाइन, और इसको कवर कर देंगे हम। कैबेज की सालन को पकते हुए 15 मिनट हो गए हैं। अब ये है कि मैं इसमें सबसे लास्ट में डालूंगी थोड़ा सा धनिया, और ये अब कैबेज जो है और मटर टोटली अच्छे तरीके से गल गए हुए हैं, तो अब मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। हमारी मज़ेदार सी कैबेज मटर की सब्ज़ी तैयार है। तो मैं अब इसका फ्लेम ऑफ कर दूँगी, और इनको डिश आउट कर लेते हैं।
हमारी मज़ेदार सी कैबेज मटर की सब्ज़ी तैयार है, तो आप इसको बनाएं और अपनी फैमिली के साथ इंजॉय करें। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो आप इसको अपनी फैमिली फ्रेंड से शेयर भी कर सकते हैं। प्लीज़ लाइक माय वीडियो, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। दुआओं में याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।